Hey everyone, how are you all? I hope you all are good. I am Amrit sir के द्वारा प्रोग्रामर की पोस्ट निकाली गई है. इसकी लास्ट डेट है 3 मार्च 2024. ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं IIM अमृतसर के लिए. यहाँ पर दिया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अमृतसर. यहाँ पर ऑल इंडिया प्रोग्राम्स जैसे कि MBA प्रोग्राम, मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्स, PhD प्रोग्राम्स एंड अदर प्रोग्राम्स एंड कोर्सेज अवेलेबल एंड इनवाइट्स कोर्सेज अवेलेबल हैं. आप यहाँ पर चेक इन कर सकते हैं. IIM अमृतसर के अलावा यहाँ पर 21 और भी अदर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं. यहाँ पर IIM अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलोर में, बोधगया में, कलकत्ता में, इंदौर, जम्मू, काशीपुर, कोझीकोडे एंड लखनऊ, मुंबई, नागपुर, रायपुर, रांची, रोहतक, संबलपुर, शिलांग, सिरमौर, तिरुचिरापल्ली, उदयपुर एंड विशाखापट्टनम में यहाँ टोटल इंडिया में 21 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट चल रहे हैं. यहाँ पर डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं, डिप्लोमा भी होते हैं. यहाँ के टॉप इंस्टीट्यूट में IIM अहमदाबाद एंड IIM अहमदाबाद के अलावा यहाँ अमृतसर स्टार्टिंग रैंकिंग रखते हैं. यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं. सो यहाँ हम आ गए हैं कैरियर पेज पर. यहाँ पर दिया हुआ है डिफरेंट कैटेगरी वाइज. अगर आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई कोर्स करना है तो आप उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं. यहाँ पर दिए गए हैं डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट जैसे कि सीनियर एसोसिएट फॉर IT प्रोग्राम एंड IT एंड सिस्टम. यहाँ पे दिया हुआ है मैनेजर की पोस्ट जिसमें फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंड कॉरपोरेट रिलेशंस डिपार्टमेंट दिया गया है. डेप्यूटी मैनेजर के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दिया है डेप्यूटी मैनेजर फॉर IT एंड सिस्टम, डेप्यूटी मैनेजर फॉर MBA ऑफिस. यहाँ पे जूनियर मैनेजर की पोस्ट है जो ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए निकाली गई है. इसका पोस्ट हमने अभी ही प्रीवियस में किया है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं. जूनियर मैनेजर के लिए एडमिन की पोस्ट है. प्रोग्राम्स डिपार्टमेंट के लिए जूनियर मैनेजर की पोस्ट दी गई है. फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर सीनियर एसोसिएट की पोस्ट निकाली गई है. यहाँ पर प्रोक्योरमेंट एंड इन्वेंटरी के लिए सीनियर एसोसिएट की पोस्ट निकाली गई है. HR एंड एडमिन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के लिए जूनियर एसोसिएट की पोस्ट है. ये रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्चुअल दोनों के लिए अवेलेबल है. प्रोग्राम्स डिपार्टमेंट में जूनियर एसोसिएट की पोस्ट निकाली गई है. यहाँ पर अदर डिटेल्स दी हुई हैं. यहाँ दिया हुआ है वेब एप्लीकेशन फॉर सीनियर मैनेजर. यहाँ पर कुछ के लिए डेट्स बढ़ा दी गई हैं. ये जो प्रोग्रामर की पोस्ट है इसकी डेट बढ़ा दी गई है. यहाँ 15 मार्च 2024 कर दी गई है. यहाँ पर अभी तक 3 मार्च तक ही सारी डेट्स अवेलेबल थी, बट अब यहाँ पर 15 मार्च कर दी गई है. आगे यहाँ दिया हुआ है जूनियर मैनेजर सीनियर एसोसिएट्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज बाय डिपार्टमेंट एंड इनकी डेट्स दी हैं 3 मार्च. आई रिपीट, 3 मार्च को इसकी लास्ट डेट है. तो आप जूनियर एसोसिएट्स एंड अदर कैटेगरी वाइज इस पेज पर देख सकते हैं. यहाँ पर 3 मार्च से लेकर 15 मार्च तक की डेट बढ़ा दी गई है. सो यहाँ पे अप्लाई नाउ बटन दिया है एंड व्यू बटन दिया है. व्यू बटन पे हम क्लिक करेंगे तो PDF हमें मिलेगी जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक्सपीरियंस एंड सैलरीज के बारे में बताया गया है. कैटेगरी वाइज डिटेल्स दी हुई हैं पोस्ट की. और हम यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, उसके थ्रू हम फॉर्म फिल कर सकते हैं. आगे यहाँ दिया हुआ है जूनियर एसोसिएट के लिए प्रोक्योरमेंट एंड HR एंड एडमिन. यहाँ डिफरेंट दिए हुए हैं जूनियर एसोसिएट, सीनियर एसोसिएट एंड अदर डिटेल्स दी हुई हैं. यहाँ आप देख सकते हैं इस पेज पर. प्रोग्रामर की जो हमारी वैकेंसी है ये कॉन्ट्रैक्चुअल होने वाली है. यहाँ पर वीडियो मैंने जब बनाई थी तो यहाँ 3 थी लास्ट डेट, पर अभी प्रोग्रामर की डेट है 15 मार्च. तो आप वीडियो में देखिएगा. यहाँ पर आगे दिया हुआ है
जॉब टाइटल इज़ प्रोग्रामर, नंबर ऑफ पोजीशन इज़ 1, नॉट फॉर एनी कैटेगरी, यहाँ सारे कैटेगरी के एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोजीशन टाइप दिया है कॉन्ट्रैक्चुअल, 40 ईयर्स से लेस एक्सीडिंग वाले इस एज ग्रुप के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बीटेक, बीई इन सीएस और आईटी, एमसीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड ओनली 2 ईयर एक्सपीरियंस फ्रॉम एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, सी शार्प, VB.NET, ASP.NET, PHP, Drupal, MVC, Bootstrap, LAMP, WAMP एंड जावा, इन चीज़ों में आपका एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिन्यूमरेशन में लिखा है कंसोलिडेट मंथली रिमुनेशन एंड अदर बेनिफिट एज पर द इंस्टीट्यूट्स पॉलिसी, दैट मीन्स यहाँ पर जो हमें सैलरी मिलने वाली है वो 40 प्लस मिलने वाली है एंड मेथड ऑफ सिलेक्शन इज़ ओनली इंटरव्यू। So you can apply for this post. So this is the end of video. अगर आपको और details चाहिए तो आप comment कर सकते हैं। Thank you for watching video till end. मिलते हैं next video में। यहाँ पर date बढ़ा दी गई है तो हम next video भी बना कर लेके आने वाले हैं। So मिलते हैं next video में। Bye.